सो हैलो एवरी वन वेलकम द डेली आंसर राइटिंग डिस्कशन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज कि आपने डिफ्रेंशिएट करना था जो एस्टेलोपैथिकस के अलग अलग वेरियंट्स हैं उसमें ठीक है जो डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टेलोपैथिकस आपके पास पाए गए हैं उनमें से आपको जो अलग अलग एस्टेलोपैथिकस के वेरियंट्स हैं उनमें आपको डिफरेंशिएट करना था सो so, आपके पास दो तरह के वेरिएट्स हैं एस्टेलोपैथिकस के वन इज कॉल्ड द ग्रेसाइल फॉर्म अदर इज कॉल्ड द रोबस्टस फॉर्म ओके देखिए जो इनिशियल क्लासिफिकेशन है अस्टेलोपेथिकस की इट इज ओन द जूलॉजिकल फैक्टर्स ओके देर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंथ्रोपोलॉजी एंड जूलॉजी एक बहुत बेसिक डिफरेंस है एंथ्रोपोलॉजी और जूलॉजी में इन जूलॉजी और इन बायोलॉजी वी सी ह्यूमन एज एन एनिमल हम होमोसेपियन को एक एनिमल की तरह देखते हैं जैसे हम एनिमल की क्लासिफिकेशन करते हैं वैसे ही हम होमोसेपियन की क्लासिफिकेशन भी करते हैं ओके सो अकॉर्डिंग टू जूलॉजी और अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी जब हम क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट करते हैं ज्यादातर जो हमारे पास क्लासीफिकेशन हमें मिलती हैं साइंटिफिक लिटरेचर में इट इज़ ओन दी क्रेनियल कैपेसिटी। वो क्रेनियल कैपेसिटी के ऊपर की जाती हैं क्रेनियल कैपेसिटी के ऊपर की जाती हैं जो आपका क्रेनियम है या फिर आपके पास फेशियल जो आपका स्ट्रक्चर है फेशियल एनाटॉमी है उसके ऊपर आपकी जो बेसिक क्लासिफिकेशन है उसको किया जाता है सो ओन क्रेनियल कैपेसिटी एज वेल एज जो आपके पास जो स्कल की एनाटोमी है उसके ऊपर उसको क्रिटीरिया मानते हुए आपके पास दो तरह की क्लासिफिकेशन है वन इज द्रेसाइल फॉर्म अदर इज द रोबस्ट फॉर्म ओके बेस्ड अपॉन द क्रेनियम। सो ग्रसाइल फॉर्म इट इंक्लूड्स रेमिडस एनामेंसिस एफरेज एंड एफ्रीकनस इट इज लीस्ट ग्रसाइल एंड इट इज द मोस्ट ग्रसाइल ओके एंड द रोबस्टस फॉर्म्स दे इंक्लूड एथियोपिथिकस रोबस्टस बुसी बुसाई या फिर बुसी ओके फिर उसके बाद वी हैव टू डिफ्रेंशिएट बिकॉज द क्वेश्चन वॉज जो आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था हमने रोबस्टस और ग्रेसाइल में डिफ्रेंशिएट करना था सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन सो ग्रेसाइल फॉर्म इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मेनली इन ईस्टर्न अफ्रीका रोबस्ट फॉर्म ईस्टर्न एंड साउथ अफ्रीका देन यू हैव द डिफरेंस ऑफ द टाइम फ्रेम रादर बोथ कंटेम्परेरी बट ग्रेसाइल फॉर्म जो है वो पहले से एवॉल्व होना स्टार्ट हो गया था रोबस्ट जरा बाद में होना शुरू हुआ है देन हाइट डिफरेंस ऑफ द हाइट ऑल्सो रोबस्ट फॉर्म को थोड़ा सा लंबा माना जाता है कि वो थोड़ा सा लंबा था देन वेट रोबस्ट फॉर्म का वेट ज्यादा माना जाता है ओके बॉडी फीचर्स सोच

द रोबस्ट फॉर्म द सेक्शुअल डायमोरफिज्म इट इज क्वाइट मच मार्क्ड उसको बढ़िया से मार्क किया गया अगर आप एब्स की बात करें अगर आप चिमपेंजी की बात करें अगर आप ओरंगटान की बात करें नॉट चिमपेंजी बट पर्टिकुलरली औरंगटानस इन दरंगटानल्सो द सेक्शुअल डायमोरफिज्म इट इज वेल मार्क्ड इट इज एज मार्ग एज इट वॉज इन द रोबस्टस फॉर्म ऑफ द दस्टेलोपेथिकस जैसे रोबस्टस फॉर्म में आपके एस्टेलोपिथिकस के रोबस्टस फॉर्म में हमें हमारे पास सेक्शुअल डायमोरफिज्म देखने को मिलता है वैसा ही सेक्शुअल डायमोरफिज्म आपके पास में भी पाया जाता है देयर फोर जूलॉजिस्ट सेड दैट मे बी आपके पास जो रोबस्टस फॉर्म ऑफ एस्टेलोपिथिकस है इट इज एन इंटरलिंकेज बिटवीन ह्यूमन फॉर्म और होमोज एंड ईप्स और देंथ्रोपस ओके जो आपके पास पुराने हमारे पूर्वज हुए थे देन द क्रेनियल कैपैसिटी सो द क्रेनियल कैपेसिटी इन द ग्रेसाइल फॉर्म्स जो क्रेनियल कैपैसिटी है अलग अलग जो आपके पास वेरियंट्स uh, हैं उनके पास अलग अलग एरियंट क्रेनियल कैपेसिटीज हैं समटाइम्स यू हैव लीस्ट क्रेनियल कैपेसिटी लाइक 450 सीसी समटाइम्स यू हैव एज हाई एज 600 सीसी सी कि, किसी फॉर्म में आपके पास 450 सीसी तक भी है इट इज एज हाई एज 600 सीसी आल्सो इन द रोबस्ट फॉर्म द वेरिएशन इज क्वाइट लेस इट इज फ्रॉम फाइव हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड सी सी ठीक है अगेन आई हैव टेकन एवरेज मैंने एवरेज लिया है अगर आपके आंकड़े इधर उधर थोड़ा बहुत होते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है देन करीनियल वॉल्ट करीनियल वॉल्ट इन दी ग्रसाइल फॉर्म इट इज हाई एंड एक्सपेंडेड ओके दिस इज क्रीनियल वॉल्ट ये वाला जो है क्रीनियल वॉल्ट है ओके इट इज हाई एंड एक्सपेंडेड वेयर एज रोबस्टस फॉर्म इट इज लो सेजिटल क्रेस्ट। अगर आप इसको इस तरह से दबाएंगे ऊपर वाला जो आपका आ, सिर है तो आपको ऐसे लगेगा दैट जो आपका सिर है वो इट इज़ नॉट राउंड बट इट इज़ समथिंग लाइक दिस दिस थिंग इसको हम कहते हैं सेजिटल क्रेस्ट। सो इन ग्रेसाइल फॉर्म द सेजिटल क्रेस्ट, इट इज़ एब्सेंट ठीक है हमारे बहुत कम होती है राधर इट इज़ नियर अबाउट एब्सेंट अगर आप एप की बात करो ग्रीला की बात करो द सेजिटल क्रेस्ट इज देयर वाई बिकॉज ऑफ द स्ट्रांग फेशियल मसल्स क्योंकि देखिए मसल्स को कहीं पे आपको टक करना पड़ता है कहीं पे मसल्स को आ, आपको फिक्स करना पड़ता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल थाई मसल्स दे आर फिक्सड विद लीनिया एस्पेरा ठीक है लीनिया एस्पेरा कहाँ पे होता है आपके जो थाई बोन है आपकी जो फीमर है बोन है उसकी बैक साइड के ऊपर एक आपके पास एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है तो उसको हम लीनियर कहते हैं सो सेजिटल क्रेस्ट इट इज एबसेंट इन द ग्रेसाइल फॉर्म एंड इन रोबस्टस फॉर्म इट इज प्रेजेंट देन आपके पास द पोजिशन ऑफ ऑसीपुट टॉरस आप अगर पीछे हाथ लगाएं तो आपको हल्का सा जो आपका सर है वो इस तरह से हल्का सा ऐसे महसूस होगा कि ये सर जो है नीचे डिसेंट होता होता हल्का सा ये इस तरह से हुआ है ठीक है दैट इज नोन एज दिपुट टॉरस सो ऑसीपुट टॉरस इन द ग्रेसाइल फॉर्म इट इज लो बट इन द रिवर्स्ट फॉर्म इट इज हाई इन पोजिशन दी टेम्पोरल फोसा अगर आप अपने सर को इस तरह से दबाएंगे तो आपको पता एक खाई सी खड्डा सा महसूस होगा सो इन द ग्रासाइल फॉर्म, इट इज मीडियम बट इन द रबस्ट फॉर्म इट इज लार्ज ओके देन आपके पास फ्रंटल रीजन आगे वाला रीजन जो है इट इज हाई एंड राउंडेड इन द्रसाइल फॉर्म बट इन द रबस्ट फॉर्म इट इज ब्रॉड एंड इट्स रादर लॉन्ग ठीक है जाइगोमेट्रिक रीजन जाइगोमेट्रिक रीजन इट इज मॉडरेटली लार्ज बट उसमें आपके पास जो रोबस्ट फॉर्म है दिस इज द रोबस्ट फॉर्म इसमें मैसिव है सुपरा ऑर्बिटल रिजेस ये वाली जो चीजें हैं आपके पास ग्रेसाइल में दे आर लेस प्रोमिनेंट बट आपके पास जो रोबस्टस है रोबस्ट है उसमें दे आर लार्ज मेस्ट्रॉइड प्रोसेसिस वॉट इज मेस्ट्रॉइड? इट इज़ अ इन्वर्टेड पिरामिड शेप एनाटोमिकल स्ट्रक्चर इस तरह का एक इन्वर्टेड पिरामिड शेप एनाटोमिकल स्ट्रक्चर होता है आपकी कान के पीछे गूगल कर लीजिए इसको उसमें आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा आपका जो सेंसरी आपका जो ईयर कैनाल है ईयर होल है उसके पीछे या फिर ईयर के पीछे आपको एक हल्का सा एक स्ट्रक्चर महसूस हो जाएगा ठीक है इस तरह का इन्वर्टेड uh, पिरामिड जैसा दैट इज नोन एज मेस्ट्रॉइड प्रोसेस ओके दे आर स्लाइटली डेवलप्ड इन ग्रेसाइल फॉर्म बट इन द रोबस्ट फॉर्म दे आर प्रेजेंट बट नॉट डेवलप्ड ठीक है प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए होते बट दे आर प्रेजेंट जॉज इन ग्रेसाइल फॉर्म दे आर लार्ज एंड प्रोग्नेथनस ठीक है प्रोग्नेथनस का मतलब साम, सामने को पेट pet, है द फेशियल एंगल इट इज़ लेस देन 90 डिग्रीज जो आपका फेशियल एंगल है फेशियल एंगल क्या होता है यहाँ से यहाँ तक आप इस तरह से अगर लाइन खींचें तो आपका जो फेशियल एंगल है वो 90 डिग्री के ऊपर क्रॉस करेगा यहाँ पे ठोडी के पास बट अगर आप किसी एप के फेशियल एंगल की बात करें तो वो जो फेशियल एंगल है वो इस तरह से बनेगा ऐसे डेटा बनेगा ठीक है इट इज लेस देन 90 डिग्री सो इट इज नोन एज ठीक है सो द जॉज दे आर लार्ज एंड एक्सट्रीमली प्रोग्रेथन एंड इन द रोबस्टस फॉर्म दे आर ऑल्सो लार्ज बट रेलेटिवली मोट प्रोगे ज्यादा प्रेम इज देयर डेंटलिक है आपके पास ग्रसाइल फॉर्म में इन दिवर्स्ट फॉर्म इट इज लेस पैराबॉलिक सीमियन शेल्फ सीमियन शेल्फ आपके पास ग्रेसाइल फॉर्म में इट इज एबसेंट वाई बिकॉज प्रोग्रेथनिज्म इज लो कम है प्रोग्रेथनिज्म सीमियन शेल्फ क्या होता है आपके जो दांत दांत होते हैं दांत के पीछे एक सेल्फ एक शेल्फ की तरह बना होता है प्राइमेट्स में एप्स में जितना बड़ा सीमियन शेल्फ होगा उतना ही ज्यादा प्रोग्रेसिज्म होगा ठीक है उतना ही आपका जो आगे वाला जो स्ट्रक्चर है वो प्रोट्रूडेड होगा ठीक है क्योंकि स्पेस मिल जाएगा एंड देन इन the रोबस्ट फॉर्म इट is प्रेजेंट why बिकॉज इट is मोर पेट्रूटेड डेंटेशन स्ट्रक्चर यू have small इंसीजर्स कैनाइंस जो मोलर्स और प्री मोलर्स हैं वो अभी भी लार्ज रहते हैं दोनों वेरिएंट्स में इन द रोबस्ट फॉर्म इट इज मोर लार्ज देन ग्राइसाइल फॉर्म बट द कस्ब पैटर्न अगर आप कस्ब पैटर्न की बात करें वो ह्यूमन जैसा होना यहां से शुरू हो जाता है ओके पेल्विस एंड लेग बोन्स ग्रसाइल फॉर्म में वाई बिकॉज इट इज लाइटली बिल्ट जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो लाइट है तो आपको ज्यादा इलोंगेटेड पेल्विक बोन्स की ज्यादा इलोंगेटेड इलियम की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसा आपके पास गुरीलाज में देखने को मिलता है गुरीला भारी बरकम शरीर है उसका तो भारी बरकम शरीर प्लस वो नकल्स के ऊपर चलता है ठीक है प्रॉपरली खड़ा नहीं हो हो सकता सो यू नीड इलोंगेटेड पेल्विक बोन तो आपके पास इलोंगेटेड पेल्विक बोन की जरूरत पड़ती है एलोंगेटेड इलियम की जरूरत पड़ती है बट यहां पे ग्रसाइल फॉर्म में द बिल्ट इज लो इतना हाई बिल्ट नहीं है आपके पास बिकॉज द बिल्ट इज नॉट क्वाइट मच हाई तो आपके जो बोन्स हैं आपके जो पेल्विक बोन्स हैं वो ह्यूमन जैसे होना स्टार्ट हो जाते हैं वो शॉर्ट और बेसिन स्ट्रक्चर को एक्वायर करना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है बट ओनली अदर हैंड आपके पास रोबस्ट फॉर्म में देर इज अ कम्बिनेशन ऑफ वॉट यू आर सींग इन गोरिलाज एंड ह्यूमन पैटर्न ठीक है लका फुल्का वो भी बेसिन शेप में आना स्टार्ट हो जाता है बट इट इज लेस देर इज एबसेंस ऑफ द डाइवर्जेंट बिगटो इन द्रसाइल फॉर्म ग्रसाइल फॉर्म में डाइवर्जेंट बिगटो का मतलब क्या है अगर आप क्लिंजिंग एनिमल्स की बात करो अगर आप चिमपेंज़ीज़ की बात करो जो कि क्लिंज कर सकते हैं ब्रांचेस के साथ ऊपर चढ़ सकते हैं तो उनमें नीचे वाली एक्सट्रीमिटीज़ में नीचे वाली एक्सट्रीमिटीज मतलब टांगों की जो उंगलियां हैं उसमें डाइवर्जेंट बिगटो होता है नीचे वाला जो अंगूठा है जो हाल जो हालस है वो डाइवर्जेंट होगा वो पैरल नहीं होगा हमारी जो उंगलियां हैं नीचे वाली दे आर पैरल टू इच अदर वो सारी पैरल हैं। बट फुट में कई बार देखने को क्या मिलता है इन दी क्लिंजिंग एनिमल्स पकड़ने के लिए जो आपका हालस है जो आपका बिग टो है वो हल्का सा डाइवर्जेंट हो जाता है दैट इज नॉट इंटायरली पैरल वो पैरल नहीं रहता है ताकि इस तरह से जो चीजें हैं इस तरह से जो ब्रांचेस हैं उनके साथ वो क्लिंज कर सके और आपके जो हाथ हैं जो आपके अपर एक्सट्रीमिटीज हैं उनको सपोर्ट मिल सके नीचे से ठीक है कल हमने एक हाइपोथेसिस की भी बात की थी इन एवोल्यूशन ऑफ लोकोमोशन वो हाइपोथेसिस क्या कहता था जॉन एच का हाइपोथेसिस 1973 वाला वो हाइपोथेसिस कहता था दैट दी अपर एक्सट्रीमिटीज दे स्टार्टेड टू डेवलप देंसरी ऑपरेशंस की जो अपर एक्सट्रीमिटीज हैं वो सेंसरी ऑपरेशन को डेवलप करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया एंड द लोअर एक्सट्रीमिटीज देवर स्पेशलाइजिंग इन उन्होंने स्पेशलाइज करना स्टार्ट कर दिया वेट को बैलेंस करने में ठीक है सो इन ग्रसाइल फॉर्म आपके पास ग्रसाइल फॉर्म में क्या देख, देखने को मिलता है कि प्रॉपरली आपके जो फुट हैं वो बायपेटलिज्म के लिए तैयार हो रहे हैं बट इन दी रोबस्ट फॉर्म आपको देखने को मिलता है कि स्टिल यू हैव अ क्लिंजिंग फैक्टर इन द फुट ठीक है अभी भी आपके जो बिग टो है वो डाइवर्जेंट ही है तो इससे क्या देखने को मिलता है इससे आपको क्या मिलता है इस एनाटोमिकल फीचर से इस एनाटॉमिकल फीचर से आपको ये देखने को मिलता है कि जो आपके पास रोबस्ट फॉर्म्स हैं, बिकॉज स्टिल दे आर अडेप्टेड टू द क्लिंजिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन दे मे नॉट बी फुली बायपेडल वो प्रॉपरली बायपेडल नहीं हो सकते ठीक है एंड रिसेंटली आपके पास लव जॉय लव जॉय ने 2011 में एक हाइपोथेसिस दिया था ठीक है इस हाइपोथेसिस के मुताबिक इट इज आल्सो नोन एज हाइपोथी लव जॉय हाइपोथेसिस कि आपके पास जो स्टेलोपिथिकस था इट वाज अ गेटिंग एनिमल गेटिंग एनिमल वो आपके पास एक गेटिंग एनिमल था वो गेट करता था गेट करने का मतलब क्या है कि जब इन्फेंट आपका मूव करना स्टार्ट करता है इन्फेंट चलना स्टार्ट करता है तो इन्फेंट एक बार जब खड़ा हो जाएगा तो तेज़ी से वो वो चलेगा नहीं जैसे आप चलते हो मस्ती में वैसे वो नहीं चलेगा वो अपने हाथ जो है वो इस तरह से करेगा बैलेंस बनाने के लिए ठीक है हाथ फैलाएगा बैलेंस बनाने के लिए और तेज़ी से भागना शुरू करेगा क्योंकि जब तक वो तेजी से भागता है उसका बैलेंस बना रहता है वाई बिकॉज पेल्विक स्ट्रक्चर एंड दी नीचे वाला जो नीचे वाली एक्सट्रीमिटीज हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई होती हैं जो टांगे हैं वो जो लेग्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई होती हैं उसके मसल्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए होते हैं ठीक है तो वो जब तेजी से भागता है बैलेंस बन जाता है जब वो अपनी स्पीड को लो करेगा वो गिर जाएगा सो so, ऑस्ट्रेलोपिथिकस में भी ऐसा ही हुआ होगा लव जॉय के मुताबिक 2011 में उन्होंने कहा वाज अ गेटिंग एनिमल रादर देन बाइपेडल। ठीक है? तो प्रॉपरली बाइपेडलिज्म नहीं था इट वाज अ पार्शियल वाज गेटिंग की ऑस्ट्रेलोपिथिकस भी ऐसा ही करता होगा क्योंकि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर प्रॉपर उनकी जो पेल्विक बोन्स हैं वो डेवलप नहीं हुई है प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है प्रॉपरली फुट का स्ट्रक्चर फुट की एनाटॉमी डेवलप नहीं हुई है तो जब तो आपके पास एस्टेलोपिथिकस पूरी स्पीड से भाग रहा होगा देन ही वुड बिकम बाइपेडल जब उसकी स्पीड कम होती होगी देन ही वुड भी तो वो चार पैरों के ऊपर फिर से चलना शुरू कर देता होगा जैसे आपके पास इन्फेंट करते हैं ठीक है इन्फेंट भी क्रॉल करते हैं लेकिन जब खड़े हो जाते हैं तो ऐसे हाथ करके एकदम से भागते हैं ठीक है मस्ती में वो चल नहीं सकते क्यों क्योंकि जो प्रॉपरली एनाटॉमी उनकी डेवलप नहीं हुई है ओके सो दीज आर एनाटॉमिकल फीचर्स सो दिस इज हाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट तो आपको इस तरह से हर एक चीज को डिफ्रेंशिएट करना था एंड देन ड्रॉ द डायग्राम्स तो फिर आप डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए ठीक है सो दिस इज दैरेंथ्रॉप और रोबस्टस फॉर्म दिस इज ग्रसाइल फॉर्म ओके और जो मैंने फीचर्स ऊपर बताए हैं दो तीन इसमें प्रॉपरली आप मेंशन कर दीजिए ठीक है आप इनको मेंशन कर दीजिए चलिए

दूसरा है आपने जो फिजिकल फीचर्स हैं उसे डिस्कस करना है तीसरा है आपने जो एक्सटेंशन है एस्टिलोपिथिकस की उसको डिस्कस करना है ओके चलिए सो द फर्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन सो एस्टिलोपिथिकस को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है ग्रेसाइल फॉर्म और रस्टस फॉर्म ग्रासाइल फॉर्म में कौन कौन से हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रेमिडस है एनामेंसिस है एफरेसिस है एफ्रीकनस है ठीक है सो वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी और उसके बाद दिस वाज द मेन क्वेश्चन ये आपके पास मेन क्वेश्चन था कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है एफरेसिस इट इज इनकीनिया तानजेनिया इथोपिया अगर आपको इट इज नॉट इवन पॉसिबल टू लर्न ईच एंड एवरी साइट सो जस्ट सिर्फ आप डिस्ट्रीब्यूशन को समझ जाए कि कीनिया तंजीनिया इथोपिया वाला जो ईस्टर्न अफ्रीका का जो रीजन है उसमें आपके पास एफरे पाया जाता है और कौन कौन से रिसर्चर ने डेट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट कौन कौन से रिसर्चर ने इनके ऊपर खोज की है सो रिचर्ड ली की मैरी ली की इन्होंने खोज की है आपके पास कीनिया और तानजेनिया में डोनाल्ड जॉनसन ने सॉरी सा, इन्होंने खोज की है कीनिया में जॉनन डोनल्ड जॉनसन ने आपके पास तानजेनिया और इथोपिया में खोज की है ठीक है देन एस्ट्रेलोपिथिकस एफ्रीकनस एस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकनस में इथोपिया में खोज की है रिचर्ड लीकी ने रेमंड डार्ट ने साउथ अफ्रीका वही टोंग चाइल्ड वाला ठीक है टोंग में खोज की है टोंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज़ इट वाज द फर्स्ट साइट टू डिस्कवर एस्ट्रेलोपेथिकस, ठीक है और बहुत सारे आपके पास फॉसिल्स मिले थे एब्स के बहुत सारे फॉसिल्स मिले थे बट एस्ट्रेलोपेथिकस, इट वाज रिगार्डेड दैट इट इज अ कनेक्टिंग फैक्टर बिटवीन एब्स एंड मेन ठीक है होमो और होमो और एब्स के बीच में जो एक कनेक्टिंग फैक्टर है वो आपके पास अफ्रीकनस को माना गया ठीक है और रेमन डार्ट ने साउथ अफ्रीका में ट्वांग में इसकी खोज की कहा जाता था कि ये पांच साल का एक इन्फेंट है ठीक है बट नाउ इन 2010 आपके पास एक रिसर्च की थी डीन फोक ने और उस रिसर्च के मुताबिक इट वॉज थ्री ईयर्स और टू ईयर्स ओल्ड इन्फेंट नॉट इम्पॉर्टेंट ठीक है कितने साल का था कितना बड़ा था जरूरत नहीं है ऐसी चीजों की देन रिचर्ड लिकी रिचर्ड लिकी की जो खोज है लाइक like, इनिशियल आपके पास कीनिया में की गई है देन एनामेंसिस एनामेंसिस कीनिया में पाया गया है और पैट्रोसन और मैरी लिकी ने खोज की है इसकी मतलब इसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट की है देन रेमिडस रेमिडस आपके पास टिम वाइट ने इथोपिया में इसकी खोज की है ठीक है देन रोबस्टस फॉर्म्स रोबस्टस फॉर्म आथियोपिथिकस रोबस्टस एंड बुसई तीन तरह की रोबस्टस फॉर्म्स हैं और ये कहाँ कहाँ पे पाई गई हैं एथियोपिथिकस कीनिया में एलन वॉकर बुसई आपके पास तानजेनिया इथोपिया कीनिया में तांजेनिया में आपके पास जॉर्ज लीकी इथोपिया में एलएसबी लीकी देन कीनिया में मैरी लिकी जैसे हमने पिछले पैसे पहले पढ़ा था देन साउथ अफ्रीका में जेटी रोबिंसन ओके सो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी कि कौन कौन सी जो आपके पास फॉर्म्स हैं वो कहां कहां पे पाई गई हैं अगर रिसर्चर्स को याद कर लो तो बहुत बढ़िया ओके okay? रिसर्चर्स को याद करने का तरीका क्या है फॉर एग्जाम्पल कीनिया है कीनिया में रिचर्ड लीकी ने बहुत रिचर्ड लीकी और मैरी लीकी ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है ठीक है तो जब एक्चुअली जब कोई खोज करने के लिए जाता है तो पहले दिमाग में कुछ ऐसा नहीं होता है कि हम एस्ट्रेलोपेथिकस की खोज करने के लिए जा रहे हैं या फिर एस्ट्रेलोपेथिकस का ये वेरिएंट हमें खुदाई करने से मिलेगा रादर वो देखते हैं कि कहां-कहां पे ह्यूमनिड फॉसिल्स मिल सकते हैं और फिर वो खुदाई करते हैं खुदाई करने के बाद जो होमोनिड फॉसिल्स मिलते हैं उनकी कंपेरेटिव स्टडी की जाती है वो बाकियों के साथ देन देखा जाता है कि ये जो वेरिएंट है ये किसका होगा फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ होमोहेबिलिस होमोहैबिलिस के 20 से ज्यादा वेरिएंट्स मिल चुके हैं हमें हमें कैसे पता चलता है कि ये होमोहैबिलिस का वेरियंट है विद द हेल्प ऑफ द कंपेरेटिव स्टडी द कंपेरेटिव स्टडी ऑफ वट वी हैव फाउंड इन दी नेबरहुड साइट्स ठीक है क्या क्या चीजें हमें उनकी नेबरहुड साइट से मिली है तो उससे पता चल जाता है कि इस ये फॉसिल किस जानवर का होगा किस होमड का होगा ओके सो फॉर्म ये हो गया जन तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया वी हैव डन विद द डिस्ट्रीब्यूशन एंड नाउ वी विल स्टडी द फिजिकल फीचर्स देखिए फिजिकल फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत बार फिजिकल फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं फिजिकल फीचर के ऊपर क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है डिस्कस एस्टेलोपिथिकस एज अ मैन ठीक है तो एस्टेलोपिथिकस को एज अ मैन कैसे डिस्कस करोगे देर आर सम फिजिकल फीचर्स ऑफ अस्टिलोपैथिक्स जो कि इसको इंसानों की कैटेगरी में रखता है सो so, पहली सबसे जो पहली बात है वो ये जानना जरूरी हो जाता है दैट हु इज अ मैन की इंसान है कौन जैसे हमने पहले बात की इट विल टेक सम टाइम ठीक है थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ये कं कन... क्लियरिटी मुझे किसी भी आंसर कॉपी में देखने को नहीं मिलती इसीलिए जो एसेंशियल चीजें होती हैं जो लिखने वाली चीजें होती हैं वो आप लोग छोड़ जाते हो मेस्ट्रेट प्रोसेसेस किसी ने नहीं, नहीं लिखा एस्पेरा किसी ने नहीं लिखा फालतू की बातें सभी ने लिख दी ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल हु इज अ मैन इंसान है कौन हु इज अ होमोसेपियन अगर आप इनिशियल जूलॉजिस्ट की बात करें अगर आप इनिशियल जूलॉजिस्ट जूलॉजिकल डेफिनेशन की बात करें तो वो क्रेनियल कैपेसिटी की बात करते हैं तो वो क्रेनियल एनाटॉमी की बात करते हैं कि जिनके पास जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो एप से ज्यादा है उसको इंसान की कैटेगरी में रख दिया जाए बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू बिकॉज जूलॉजिस्ट जो जूलॉजिस्ट हैं वो सोचते हैं कि क्रेनियल कैपेसिटी से आपकी इंटेलिजेंस का रिश्ता है आपकी कॉन्शियसनेस का आपकी इंसानियत का रिश्ता होगा तो अगर क्रेनियल कैपेसिटी के साथ आपकी इंटेलिजेंस का रिश्ता है तो वेल बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई एलिफेंट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया तो उनको भी मानव की कैटेगरी में रख दो उनको भी ह्यूमंस की कैटेगरी में रख दो फिर एक और तर्क आता है एसीफिलाईजेशन एसीफिलाईजेशन इज द रेशो ऑफ द मास ऑफ योर हेड ऑफ योर ब्रेन टू बॉडी। ठीक है इट इज द रेशो ऑफ करेनियम टू बॉडी। दिस इज नोन एज एसीफिलाइजेशन बट इन सम प्रोसमीज इन सम प्राइमेट्स का सब ऑर्डर है प्रोसमीज इन सम समोसमीज एसिफिलाइजेशन इज मोर लार्जर देन ह्यूमंस एसिफिलाइजेशन ह्यूमन से ज्यादा होती है प्रोसमीज में कई कई प्रोसमीज हैं हमारे पास तो यह चीज भी फेल कर गई रिसेंटली सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट दे हैव सजेस्टेड कि आपके पास उसको आप ह्यूमन कह सकते हो उसको आप होमोसेपियन कह सकते हो देर आर टू कंडीशन द वन इज बाइपेडलिज्म वन इज बायोलॉजिकल कंडीशन दैट इज बाइपेडलिज्म सो चेक फॉर द फोरानम मैग्नम तो फोरानम मैग्नम के लिए चेक कीजिए इफ फोरानम मैग्नम इट इज एंटीरियरली प्लेस्ड आगे को प्लेस्ड है देन बायोपेटलिज्म शुड बी देयर तो बायोपेटलिज्म वहां पे हो सकता है चेक फॉर द पेल्विक बोन्स चेक फॉर द इलियम पेल्विक बोन्स के लिए चेक कीजिए इफ द पेल्विक बोन्स दे आर शॉर्टर एंड ब्रॉडर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बायोपेटलिज्म बायोपेटलिज्म की पॉसिबिलिटी है चेक फॉर द लीनिया एस्पेरा इफ लीनिया एस्पेरा हैज बीन डेवलप्ड देन इट मीनस कि जो लोअर लिम्स हैं जो आपके पास लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं दे आर कैपेबल ऑफ ओके, चेक फॉर द एंगल ऑफ फीमर फीमर के एंगल के लिए चेक कीजिए अगर आपके पास फीमर का एंगल ज्यादा है टोरसाइल है ज्यादा है मतलब आपकी जो टांगे हैं वो खुल सकती हैं देन आपके पास बाइपेडलिज्म हो सकता है क्यों टांगें खुलना टांग टा, टांगे खोल के थोड़ी ना चलते हो आप सीधा सीधा चलते हो लेकिन बाय वाई बाई बाई फीमर का एंगल और बायपेडलिज्म में क्या रिश्ता है देखिए बायपेडलिज्म जब आपके पास बायपेडलिज्म होता है सो दिस इज बायोपेडल एंड ये एक बायपेडल व्यक्ति है इन फीमेल्स जो आपके पास बर्थ गिविंग ऑर्गन है वो टांगों के बीच में आ जाता है जब आपके पास बर्थ गिविंग ऑर्गन टांगों के बीच में आ जाता है सो वाइल्ड गिविंग बर्थ अगर आपका फीमर का एंगल ज्यादा नहीं होगा टांगे नहीं खुल पाएंगी तो जो बच्चे का सर है वो बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि वो बच्चे का सर बाहर नहीं आ पाएगा यू वॉन्ट हैव रिप्रोडक्टिव सक्सेस तो आपके पास रिप्रोडक्टिव सक्सेस नहीं आएगी अगर आपके पास रिप्रोडक्टिव सक्सेस नहीं आएगी यूअर स्पीसीज विल एक्सटेंट आपकी स्पीसीज खत्म हो जाएंगी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा तो क्या फायदा स्पीसीज खत्म हो जाएंगी सो द एंगल ऑफ फीमर इज वेरी इंपॉर्टेंट तो जब आपके पास फिजिकल फीचर्स को पूछा जाता है इन चीजों को जरूर लिखिए और उसके बाद डेंटेशन डेंटेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर डेंटेशन बहुत लार्ज है अगर टीथ बहुत लार्ज है यू कांट कम्युनिकेट प्रॉपरली क्योंकि जीव को बोलने के लिए स्पेस की जरूरत है ओके okay? अगर आपके पास डेंटेशन ऑलरेडी बनी बनाई आ रही है देन आपके फेस का साइज बड़ा हो जाता है रिप्रोडक्शन में अगेन प्रॉब्लम आती है सो ह्यूमन इड फैक्टर्स दे आर डेंटेशन डेंटेशन को लिखना जरूरी है लीनिया एस्पेरा को लिखना जरूरी है पेल्विक बोन्स के बारे में लिखना जरूरी है फोरानम मैग्नम के बारे में लिखना जरूरी है ठीक है जो चीजें बाइपेडलिज्म में आती है फुट की एनाटॉमी के बारे में लिखना जरूरी है हालांकि फुट की एनाटॉमी कुछ प्रॉपरली आपको इंडिकेट नहीं करती है बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया दैट एस्टेलोपिथिकस इट वॉज नॉट प्रॉपरली बाईपेडल यह प्रॉपरली बाईपेडल नहीं था रादर इट वॉज गेटिंग गेट कर रहा था जैसे नन्ना बच्चा करता है छोटा बच्चा करता है जैसे ओके सो दीज आर द फैक्टर्स दूसरा होता है कल्चर तो पहला तो ये इंसान को ये बायोलॉजिकल फैक्टर बनाता है यहां पे तो खैर बायोलॉजिकल फैक्टर की जरूरत है कल्चर तो मैंने पूछा ही नहीं है दूसरा जो फैक्टर है वो होता है कल्चर सो एस्ट्रेलोपिथिकस हैड अ कल्चर द नेम ऑफ एस्ट्रेलोपेथिकस कल्चर गिवन बाय रेमन डार्क इट वॉज ओ डी के कल्चर सो यू हैड अ कल्चर ऑल्सो बोन एंड हॉर्न कल्चर बोन टूथ एंड कल्चर का मतलब क्या था देखिए इन एस्टेलोपिथिकस यू डू नॉट हैव ग्रिप। आपके पास प्रिकॉशन ग्रिप नहीं है जो आपका अंगूठा है इट इज स्टिल इट इज स्टिल नॉट अपोजेबल वो प्रॉपरली अभी तक अपोजेबल नहीं हो पाया है। सो यू आर यूजिंग सिंपल पेबल टूल्स आप सिंपल पेबल टूल्स को यूज कर रहे हो इट इज नॉट इवन पॉसिबल टू हंट विद पेबल टूल्स पेबल टूल्स के साथ हंट करना पॉसिबल ही नहीं है इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू हंट विद पेबल टूल्स आप क्या करोगे जो मरे हुए जानवर हैं उनकी बोन्स को आप काटोगे उसके नकले सिरे बनाओगे जो उनके दांत हैं उनको आप किसी तरह से बांधोगे उन, उनके साथ जो एनिमल्स के सींग हैं नुकेले सिरे हैं उनको आप तोड़ोगे और उसके साथ आप हंटिंग करना शुरू करोगे ओके सो यू हैव अ कल्चर आपके पास ओडी के कल्चर है एंड दिस हाइपोथिस दिस वॉज गिवन बाय रेमन डार्ट हिमसेल्फ सो दिस इज़ दी कल्चरल एस्पेक्ट सो एस्ट्रेलियोपिथिक्स को आप एज एन मैन बता सकते हो एनी हम पहली वाली चीज़ में करते हैं फिजिकल फीचर्स में हमने बताना है सो फिजिक आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं दैट वेयर इट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड फिजिकल फीचर्स में मेस्ट्रॉयड प्रोसेस के बारे में लिखना ज़रूरी है दैट मेस्ट्रोय प्रोसेस या फिर मेस्ट्रॉयड इट स्टार्टेड डेवलपिंग इट वॉज नॉट फुली डेवलप्ड एज वी हैव जैसे हमारे पास है वैसे एस्टेलोपिथिकस के पास नहीं था इट वॉज नॉट फुली डेवलप्ड बट इट वॉज स्टार्टिंग टू डेवलप यह स्टार्ट होना शुरू हो गया था डेवलप होना बिकॉज इट वॉज स्टार्टिंग टू डेवलप बट गॉट फुली डेवलप्ड इन दी होमो मोरेक्टस तो हम इसको इंसान की कैटेगरी में रख सकते हैं देन लीनिया एस्पेरा लीनिया एस्पेरा को लिखना जरूरी था बिकॉज दीज आर द दूस चेंजेस जिसकी वजह से हम एस्टेलोपिथिक को हैबिलिस को और इरेक्टस को एक साथ बांधते हैं एक लाइन में एसोसिएट करते हैं एक एवोल्यूशनरी लाइन में एवोल्यूशनरी लीनियज में हम इन चीज इनको एसोसिएट करना शुरू करते हैं देन यू हैव लिनिया एस्पेरा लिनिया एस्पेरा इन एसेलोपिथिकस इट स्टार्टेड टू डेवलप ये डेवलप होना स्टार्ट हो गया था ठीक है बट इट वॉज फुली डेवलप्ड इन द इरेक्टस पीरियड तो इरेक्टस में ये पूरी तरह से डेवलप हो गया था देन इन दस्प इन द्रीमूलर जो कस्प्स हैं वॉट आर द कस्प्स अगर आप दांत को देखो दांत का नीचे वाला पैटर्न जो है जो प्रीमोलर हैं अस्टेलोपैथिकस में दे आर स्टिल बिगर वो अभी भी बड़े हैं बट जो कस्प का पैटर्न है इट इज लाइक ह्यूमंस और ये जो कस्प वाला पैटर्न है ह्यूमन लाइक पैटर्न है ये थ्रू आउट चलता है अस्टेलोपिथिकस टू तो हैबिलस टू तो होमो एरेक्टस ये चलता है देन द फीमर इज विद द टॉर्सन एंगल वट इज द टॉर्सन एंगल टॉर्सन एंगल क्या होता है और इसी टॉर्सन एंगल की वजह से आपके पास जो है वो सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म ये वाला सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म डेवलप होता है देखिए सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म इसकी वजह से कैसे डेवलप होता है इफ इन द मेल्स आपके पास टॉर्सन एंगल ज्यादा बड़ा है तो क्या होगा कि जो आपके टेस्टिस हैं जो आपके टेस्टिकल्स हैं दे विल रिवॉल्व अराउंड द स्पर्म कॉर्ड तो जहाँ से स्पर्म्स आते हैं जो कॉर्ड से स्पर्म आते हैं उनके अराउंड वो रोटेट होना शुरू हो जाते हैं ठीक है अगर उनको लेग्स की सपोर्ट नहीं मिलती तभी भागते वक्त स्पोर्टर्स वगैरह इस तरह से जो स्ट्रक्चर है नीचे वो पहन लिया जाता है मेल्स में ताकि जो टेस्टिस है वो रोटेट ना हो अगर टेस्टिस कॉर्ड के अराउंड रोटेट हो जाता है तो होता क्या है कि एबडामन से जो खून है वो नीचे पा पास कर जाता है टेस्टिस में पास करना स्टार्ट कर देता है अगर ज़्यादा बार ये रोटेशन हो जाए मेल बिकम स्टराइल तो मेल जो है मेल टेस्टिस जो हैं वो जहाँ तो बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं या फिर वो स्पर्म्स को बनाना बंद कर देते हैं क्यों क्योंकि कॉर्ड में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं तो अगर आपका फीमर एंगल ज्यादा बड़ा है तो मेल का आपके पास जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो स्टेराइल हो रहा है ठीक है वो खराब हो रहा है अगर फीमेल में आपके पास टॉर्साइल tor एंगल कम है देन शी वॉन्ट हैव द रिप्रोडक्टिव सक्सेस तो आपके पास रिप्रोडक्टिव सक्सेस नहीं होगी ओके, सो यू हैव सेक्शुअल डायमोरफिज़म तो आपके पास सेक्शुअल डायमोरफिज़म आना स्टार्ट हो जाता ठीक है तो ये जो सारी चीज़ें हैं फीमर इट इज़ विद द टॉर्सियन एंगल एंड देन आपके पास सेक्शुअल डायमोरफिज़्म है ठीक है ये जो सारी चीज़ें हैं ये फिजिकल फीचर्स में ज़रूरी हैं लिखनी ठीक है बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो लिख रहे हो आप प्रॉपरली ठीक है शन तो एक्सटेंशन के आपके पास दो हाइपोथिस हैं द फर्स्ट वन इज कॉल्ड दाइपोथिस डाइट हाइपोथिस और ये जो डाइट हाइपोथिसिस है ये आपके पास ओडी के कल्चर के साथ भी रेमंडार्ट का जो हाइपोथिसिस है उसके साथ भी काफी मेलजुल खाता है और रिसेंटली आपके पास देर आर समर्चेस तो उन्होंने भी इस डाइट हाइपोथेसिस को थोड़ा सा सब्सटेंशिएट किया था मैं नाम भूल रहा हूं रिसर्चर का ओके सो इन द डाइट हाइपोथेसिस आपके पास क्या देखने को मिलता है कि जो होमो आपके पास सॉरी जो आपके पास एस्टिलोपेथिकस था ही वॉज मच अडेप्टेड टू ईटिंग वेजिटेरियन डाइट ठीक है तो वो फ्रूट्स और हंटिंग हंटिंग के अलावा वो गैदरिंग के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट था बिकॉज़ ही वाज डिपेंडेंट अपॉन गैदरिंग ही वाज ईटिंग वेजिटेबल्स ही वाज ईटिंग फ्रूट्स जब आपके पास क्लाइमेट चेंज होता है तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा अवेलेबल नहीं रहते हैं और जो जानवर हैं वो भी भाग जाते हैं इस चीज को समझिए आप विद द ओडी के कल्चर एंड पेबल टूल्स विद द हेल्प ऑफ द ओ के कल्चर और पेबल टूल्स इट इज नॉट इवन पॉसिबल टू हंट बिग एनिमल्स बड़े जानवरों को हंट करना पॉसिबल ही नहीं है इतनी रूडिपेंट्री टूल्स के साथ जब आप बड़े जानवरों को हंट नहीं कर सकते जो उनके अंदर वाला जो सॉफ्ट मीट है वो नहीं खा सकते तो होता क्या है कि आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हो आप किसी और प्रीडेटर के ऊपर डिपेंडेंट हो ठीक है किसी और प्रीडेटर के ऊपर डिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि आप वेट करते हो किसी शेर की किसी और जानवर की कि वो हंट करे वो किसी एनिमल को हंट करे जब वो किसी एनिमल को हंट करता है देन यू वेट फॉर देम टू गो वो सॉफ्ट सॉफ्ट जो गोश्त होता है वो खा जाता है फिर उसके बाद आप जाते हो और आप जो स्पाइनल कॉर्ड के बीच वाला जूस है सिर्फ आपके लिए वही जो सारी चीज़ें हैं वो बचती हैं क्यूं? क्यों क्योंकि आप हार्ड मीट नहीं खा सकते हो हार्ड मीट क्यों नहीं खा सकते हो बिकॉज यू लैक दी कैनाइंस जो आपके पास बड़े केनाइंस होते हैं जो हाइना के पास हैं जो बाकी और कैनाइन और एनिमल्स के पास होते हैं आपके पास बड़े केनाइंस भी नहीं हैं आपके पास बड़े कैनाइंस भी नहीं है प्लस यू आर नॉट हैविंग द इन्वेंशन ऑफ फायर टिल नाउ आपके पास आग की खोज भी नहीं हुई है आग की खोज होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस होमो इरेक्टस वाले पीरियड में प्रॉपरली हमें दिखाई देती है कि आग की खोज होनी शुरू हो गई तो मीट को सॉफ्ट कैसे करोगे मीट को पकाओगे कैसे जो हार्ड मीट है उसको तो आप खा नहीं सकते सो जनरली यू ब्रेक द बोन्स तो आप बोन्स को ब्रेक करते हो और ब्रेक करके जो उसके बीच वाला जूस होता है सिर्फ आपके लिए वही बचता है उसके साथ अपना पेट पालना प्रो, आप प्रॉपरली अपने पेट को नहीं पाल सकते हो सो यू आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दी वेजिटेबल्स यू आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दी फ्रूट्स तो आप वेजिटेरियन डाइट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वेजिटेरियन डाइट है वो चली जाती है तो आपको प्रॉपरली फूड जो है वो मिल नहीं पाता है प्लस इसी के साथ यू 1.5 पॉइंट फाइव मिलियन ईयर्स अगो एक और वेरिएंट बनना स्टार्ट हो जाता है एक और स्पीसीज बननी स्टार्ट हो जाती है जिसको कहते हैं होमो हैबिलिस जिसको होमो हैबिलिस कहा जाता है सो होमोहेबिलिस के साथ सम समटाइम्स इन सम बुक्स इट इज रिटर्न टू मिलियन ईयर्स अगो ऑल्सो ठीक है वन पॉइंट फाइव इज थोड़ा सा करेक्ट डाटा ये तो होमो हैबिलिस तो आपके पास होमो हैबिलिस बनना स्टार्ट हो जाता है तो हैबिलिस के पास प्रॉपर टूल्स हैं प्रॉपर हंटिंग मैकेनिज्म हैं सो देर इज अ कंपिटिशन बिटवीन द एस्टेलोपेथिकस एंड होमोहैबिल ड्यू टू दिस कॉम्पिटिशन होमोहैबलिस विन्स और धीरे धीरे जो अस्टेलोपैथिक हैं वो एक्सटेंशन की तरफ बढ़ते हैं ठीक है सो दीज टू हाइपोथिस दे प्रॉपरली एक्सप्लेन दैट हाउ एक्सटेंशन ऑफ दस्टेलोपेथिकस वॉज देयर कि एक्सटेंशन कैसे हुआ अस्टेलोपैथिकस का सो होप अस्टेलोपेथिकस आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा ठीक है तो इस चीज को जरूर याद रखिए दैट हु इज अ मैन ओके हो सकता है स्टेलोपेथिकस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं इस बार जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछा जाए यूपीएससी अक्सर घुमा के क्वेश्चन पूछती है ठीक है सो इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी डू राइट इन कमेंट सेक्शन कमेंट सेक्शन में उसको जरूर लिखिए आई ट्राई टू एड्रेस दैट क्वेरी थैंक यू वेरी मच